मेरे सामने आए, मैं फैसले कर रहा हूँ। भगवान का नाम है जय श्री राम, और प्रभु श्री राम का नाम लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, जिन्होंने हमारे बच्चे को, अगर बच्चों ने बोर्ड पे जय श्री राम लिख दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? मीडिया पर्सन से जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बोर्ड पे किसी बच्चे ने जय श्री राम लिख दिया, हम बुक्स पे लिखते हैं, जब कोई स्टूडेंट होता है कोई, देखिए ये तो सीधा सीधा कम्युनिटीज़, दो कम्युनिटीज़ को बताया जा रहा है कि अलग अलग हिंदू मुसलमान, तो ये फिर टीचर्स ही करवा रहे हैं मेरी नज़र में। अगर जय श्री राम उन्होंने बोला, बच्चों ने अगर बोर्ड पर लिख दिया, तो बच्चे को मारने का अधिकार नहीं है टीचर्स को। टीचर जो कोई फारूक जी हैं और जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के जो फारूक जी, डॉक्टर फारूक हैं, वो लेक्चरर हैं, एंड जो हाफिज़ हैं अपने प्रिंसिपल, उन्होंने उस बच्चे को वहाँ से मारा, उठाया और प्रिंसिपल के रूम में जाके उसको लातों से मारा। आज बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं जम्मू दिल्ली जो वहाँ भी ये मीडिया का वाइड मेरा जाता है, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब कोई बच्चे स्कूलों में आते हैं तो आप बोलते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ समाज का एक बच्चा अगर हिंदू कम्युनिटी का था तो उसने अगर वहाँ पे लिख दिया जय श्री राम, तो उसको मारना गलत था। क्यों मारा, ये मेरा क्वेश्चन था। पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, मैं राष्ट्रीय बहिरंग दल का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू एंड कश्मीर का, तो मेरे साथ अप्रोच की, हमने बच्चों की सुनवाई, यही होता है भाई, हम धर्म के लिए लड़ते हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम अपने सनातन की आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ गलत नहीं करते। हमारा नारा है, हमारे भगवान है जय श्री राम। तो अगर प्रभु श्री राम का नाम लेने से फांसी भी होती है तो प्रणव शर्मा चढ़ने के लिए तैयार है। ये तो हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, फिर हमारी यहाँ पे पूरी बिरादरी ने, यहाँ कोई पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं था, यहाँ हर समाज का हर आदमी, हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा मार्केट बंद करके निकला है और आके धरना प्रदर्शन स्मूथली किया है उन्होंने, और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन बनी, स्पेशली SDM साहब और हमारे जो SHO प्रेजिडेंट थे यहाँ पे, जो हमारे रियाज साहब, जो उनकी सब इंस्पेक्टर साहब जो थे इंचार्ज के मौके के SHO जो यहाँ पे थे, तो उन्होंने आके ये मसला सॉल्व किया। उन्होंने बोला कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर 2 घंटे के अंदर अंदर FIR लगेगी, और उन बच्चों का बयान हो रहा है, अब बयान के ऊपर जो FIR बनती है कानून तरीके से, वो कानून तरीके की FIR उन बच्चों को दी जाएगी। मेरा एक और सभी से रिक्वेस्ट है, जो कहते हैं एक तरफ हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं, मेरे को उनका मैसेज ये रहेगा, देखो हम सब पहले इंसान हैं, हिंदू मुसलमान अगर हैं, अगर कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, तो किसी के मजहब पे उंगली उठाने का किसी का अधिकार नहीं है। लिहाजा ये तो टारगेट हिंदू को किया गया। जय श्री राम लिख दिया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे जो प्रिंसिपल अगर जैसे रखे हैं, यार सुनिए 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 प्लीज, बच्चों ने अगर किताबों में भी जय श्री राम लिख दिया तो क्या स्कूल का टीचर फाड़ देगा? मुझे बताया जाए ये कौन से कानून में लिखा है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन का ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे लड़के को मारा है, गलती क्या है? सिर्फ जय श्री राम लिखना, ये गलती नहीं है, ये सनातन का नारा है जय श्री राम।